आप लाहौर से हैं? जी जी लाहौर से वो हैं। इतने माशाल्लाह मुझे इनका नाम भूल गया। हसन, मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। हसन साहब शख्सियत मर्द? जी सर मर्द। जिंदा? जी सर अलाइव। एशियाई? नो सर। हसन साहब एक बात बस कहूंगी, प्लीज हाँ या ना कीजिएगा, कोई हिंट ना दीजिएगा। यस और नो। थ्री जायंट्स बैठे हैं। ताल्लुक यूरोप से? नो सर। तो ताल्लुक बरे आजम अमरीका से? जी सर अमरीका से। रियासत है मुतहदा अमरीका से? जी सर। शख्सियत जिंदा है? अरे अगर फौत होते और उनका ताल्लुक होता जी सियासत और हुकूमत से, ओ कसिंजर पसिंजर चपिंजर चार पांच कटे कसिंजर जिंदा चार कर लिया वो जिंदा है वो बर्जिंस्की है जो नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना नहीं जनाब अमरीकियों के बर्जिंस्की का पूरा नाम बताइए जरा इन्हें बताइए चौबे पे आ जाए ना, चौबीस पे जाए। ताल्लुक चौबीस से है? नो सर। सियासत और हुकूमत से है? नो सर। बिग बिजनेस से है? यस सर। वाह बस आ गए। हेलो ठीक हेलो, अभी तो दस भी नहीं हुए। इलॉन मस्क? इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क हो चुके हैं। मार्क ज़करबर्ग हो चुका है? यस। अच्छा जॉब्स हो चुका? जॉब्स हो चुका। जॉब्स इज नॉट बेजोस हो चुका? नहीं। Amazon? No, नहीं हुआ। It could be Gates, could be Bezos. भैया business determine करें। अच्छा जी, e-commerce इनका वजह शोरत है? No sir, no sir, Bezos गया। Bezos गया, अब IT पे जाइए। IT platform? No sir। Hello, देखे ना सारे out। अब आ जाए big business। और अमरीका ही कड़ा business। वॉरेन बफेट का तो रियल एस्टेट है ना ज्यादा? वॉरेन बफेट इज स्टॉक एक्सचेंज, बर्कशायर हैथवे। और रियल एस्टेट भी बहुत ज्यादा है। रियल एस्टेट भी है बट मेन उसका जो है ना बर्कशायर हैथवे है जो फंड है। He has actually will to donate 99% of his wealth. वाह। वो रहता अभी तक उसी घर में, पुराने घर में रहता है, पुरानी गाड़ी चलाता है। वो तो बिल गेट्स भी यही कुछ करता है, मतलब लाइन में खड़ा होकर बर्गर लेना, वाफल्स का नाश्ता करना सवेरे सवेरे जाके। इलॉन मस्क हो और घर के बर्तन भी धो लेता है। सर 11 सवाल। देखें एक तो एरोस्पेस है, उसमें कोई इतना बड़ा नाम नहीं आता सवाय एलन मस्क हो चुका है सवाय मस्क के। उसके बाद आपका आ जाता है ऑटो, उसमें लिया है कोका, इतना बड़ा नाम नहीं है, बाकी पीछे सारे पुराने। पिछले 20 साल तो सारे के सारे आईटी वाले हैं, ना ऑयल वाला है कोई, ना उसका रियल एस्टेट एक रह जाता है। एज का देख लें, वॉरेन बफेट पता चल जाएगा ना। अच्छा जी उनकी उम्र जो है 80 साल से ज्यादा है? नो सर, नो सर, वॉरेन बफेट नहीं है। कोई यंग बंदा है कोई? ये भी तो हो सकता है। यंग तो सारे के सारे जो हैं वो टेक्नोलॉजी, वो आईटी में हैं, वो टेक्नोलॉजी वाले हैं सर। ऑल ऑफ देम आर टेक्नोलॉजी। शोबिज में बड़े यंग हैं। शोबिज में फैशन, फैशन वर्ल्ड, फैशन वर्ल्ड में यूएस से नहीं है कोई इतना बड़ा। मान दो बड़े नाम है, एक रैल्फ लॉरेन है ठीक है ना, और एक वो खातून है उसका नाम भाई अभी नॉट अ गाय, बाकी सारे इटालियन फ्रेंच हैं। राल्फ लॉरेन बड़ा अहम नाम है, ये छोटा नाम नहीं है पोलो। ओ यस सर, क्या बात है, उनकी कॉलर टी शर्ट बेहतरीन। अच्छा पोलो बाय द वे उसने लाइसेंस किया है फ्रॉम द पोलो एसोसिएशन। फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक? फूड का नाम कोई ज़हन में नहीं आ रहा ना। पूछिए फूड इंडस्ट्री, पूछिए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, पूछिए फैशन इंडस्ट्री, पूछिए आर्म्स मिलिट्री। अरे अब बंदूकें बन चुकी हैं 50 साल पहले। मतलब फिर भी सर को बिजनेस नया कोई आया हो बंदा, कोई नया बंदा कोई... आज जिंदा बंदा नहीं बना सकता। शुरली मेकर। एक हिंट दे दूं? ना
नहीं नहीं, आपने जो सवाल किया है उसी से रिलेटेड हिंट ना दे हमें, क्योंकि थोड़ा सा जैसा हम थोड़ी सी डिटेल देते ना जवाब में, हाँ ना से एक स्टेप आगे। आपने 80 इयर्स से ज्यादा पूछा था, सो आईड से ऑलमोस्ट। क्या अब पहुंच जाएंगे वो पता ये क्या हिंट, जैसे हम डेथ पे कहते हैं 2-4 साल प्लस माइनस, गुनाह बेलज़्ज़त। हमने हिंट भी लिया नहीं, ये मैंने एक जवाब थोड़ा सा, दिस इज हेल्पफुल एक्चुअली, कि 80 के करीब करीब है, शुड बी अराउंड दैट एज, 80 के नजदीक ही है वो। तो फिर रियल एस्टेट से इसको फिर एलिमिनेट किया जाए, करेंगे। हसन साहब रियल एस्टेट में उनका काम है? नो सर नहीं, सो ही इज आउट। एक ऑर्थोडॉक्स बिजनेस है, यू आर नाउ यू आर टॉकिंग, ये ऑर्थोडॉक्स है क्योंकि ये फूड हो सकता है, मैंने कहा था ना रेस्टोरेंट्स होटल हो सकता है, फूड नाइकी वाला है, नाइकी 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 वाला है, नाइकी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हां ये सारे ये तो बड़े आइडियल है, नाइकी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिल नाइट दैट्स हिज नेम, इज ही अलाइव? यस। इस पे क्लोज करें। अच्छा जी ये बताइए फैशन आउटफिट, हां स्पोर्ट्स वेयर? नो सर स्पोर्ट्स वेयर नहीं है, स्पोर्ट्सवेयर नहीं है, नहीं है, इसका मतलब है कि नाइकी नहीं है। हसन साहब बस हाँ या ना कीजिएगा, स्पोर्ट्सवेयर नहीं है बट क्लोथिंग हो सकता है। हाँ क्लोथिंग हो सकती है, यही मैं एग्जैक्टली लिवाइज का वो जिंदा होगा, नहीं नहीं लिवाइज वाला तो बहुत पुराना है, लेकिन कोई रेंगलर शेंगलर का वाला भी नहीं है, कोई ली वाला ली वाला भी नहीं है। हाँ टॉमी हिलफिगर, टॉमी हिलफिगर हो सकता है, 9th ऑफ दिसंबर को उसकी सेल लगती है सर, वो हो सकता है, ये अपना ये 4th ऑफ जुलाई के बाद जो कमाल सेल लगती है, राल्फ लॉरेन हो सकता है, लॉरेन इज डेड आई थिंक। फैशन पूछ लिया आपने? नहीं अभी नहीं, जाए ना पर प्लीज। अच्छा जी ये फैशन में है? जी सर। टॉमी हिल्फिगर, टॉमी हिल्फिगर। 15 सवाल। ये बहुत बड़ा ब्रांड है कैजुअल वेयर का, क्लोथिंग ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड। एक तो परफ्यूम्स है, ठीक है ना, हिलफिगर है और आउटफिट है, दूसरा राल्फ लॉरेन, राल्फ लॉरेन पोलोजेन में आता है, राल्फ लॉरेन। अब लेफ्ट राल्फ लॉरेन आई डोंट थिंक इज अलाइव, आई एम नॉट श्योर। एक तो वो है जिसका सिंबल एलिगेटर है सर, द लैकोस्टे, लैकोस्टे, लैकोस्टे इज इट अमेरिकन, टच ऑफ पिंक है ना, गैप इज अ वेरी बिग ब्रांड, यूएस गैप वॉज माई फर्स्ट शॉपिंग इन द यूएस, गैप भी बहुत बड़ा ब्रांड है। 16 सवाल। अच्छा जी ये जो शख्स है ये डिजाइनर भी है? जी सर। राल्फ लॉरेन की तरफ पोलो एसोसिएशन, लोगो जो है वो पोलो एसोसिएशन का है, ये जो इनका लोगो है वो पोलो एसोसिएशन से इन्होंने लाइसेंस किया है? नो सर, नो सर। फिर ये राल्फ लॉरेन नहीं है, अब आगे टॉमी हिलफिगर आ गया, टॉमी हिलफिगर रह गया। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ, नहीं नहीं 18 हुए हैं। अब मेल डिजाइनर कुड बी डिजाइनिंग वुमेन्स क्लोथ्स, कुड बी डिजाइनिंग बोथ मेन एंड वुमेन, एक कार्ल लागरफेल्ड, बट कार्ल लागरफेल्ड वाज यूरोप, वो भी है ईव सेंट लॉरेन, YSL, YSL फ्रेंच, आजकल PIA इश्फाक टेलर से करवा, इतना ऑब्स्क्योर भी नहीं होगा मेरे ख्याल में, इट हैज टू बी फेयरली वेल नोन, वेल नोन, और हमें हमारे ज़हन में नहीं आ रहा, हैज टू बी अ नेम उसी कैलिबर का होगा जिस कैलिबर के ये है ना सारे हमने लिए नाम, बस वो ज़हन में नहीं आ रहा। चले सर ग्रेसफुली टॉमी हिलफिगर का नाम ले दें बस, ये अभी तक जो ज़हन में नाम आ रहा है ना वो टॉमी हिलफिगर का ही आ रहा है। जी मोहम्मद हसन अब आप नाम ले सकते हैं। कैल्विन क्लाइन। वाह। और इन सब में सबसे ज्यादा कंस्पिकुअस, बिल्कुल हाउ कुड यू, वेरी एक्सीलेंट डिजाइनर, सीके, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, सीके का ट्रूथ। भाई वाह वाह वाह, जस्ट मेरी आखिरी शॉपिंग कनाडा, लाइन नहीं आई हमारे से आखिरी। शाह साहब ने मुझे شدید सर्दी में ठठरते देखा तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ से एक फजूल सी जैकेट लेके दी, मैं कि ये मुझे नहीं पसंद, तो फिर वो गए
और कंपनसेट करने के लिए सीके की लेकर सर इस रीजन में बार बार मना करी थी कि ये वो पर्सनालिटी है कि यू शुड नॉट गिव एनी व्हाट अ ब्रांड वाह 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 एक्सीलेंट ओके